समाचार कह रही हिंदी न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं गांव खुडन में, जहां एक किसान ने आत्महत्या कर मौजूदा सरकार को शर्मसार करने का काम किया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद जगबीर सिंह उर्फ काला प्रधान निमाणा। आइए जानते हैं इनके इनके विचार, आपका इस किसान परिवार के बारे में क्या कहना है। देखिए भाई जी, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि एक किसान ने अपने वर्ष भर की खेती के लिए जो प्रयास और मेहनत की, और वो बरसात के पानी से भर जाने के कारण फसल में पैदावार ना हो पाई, और उसने जो बैंक के द्वारा लिया गया कर्जा और आपस में भाईचारे के द्वारा ली गई राशि देने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जिसने इस बहुत ही बड़े संकट से अपने आप को ऐसा ही समझा और अपने प्राण निछावर कर दिए। आज हम इस परिवार के इस दुख में शामिल होने पहुँचे हैं। हमें पता लगा है कि सरकार और प्रशासन अभी तक किसी भी तरीके से इस ऐसा ही किसान के परिवार को कोई भी सहारा देने के लिए नहीं पहुँची है। मैं तो सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस ऐसा ही परिवार किसान के परिवार को आर्थिक सहायता और इसकी खेती का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के रूप में भरपाई की जाए, और हम भी इस गरीब किसान के परिवार के साथ, ऐसा ही परिवार के साथ हम साथ हैं, और जो भी हमसे बन पाएगा हम इस परिवार के लिए करने के लिए तैयार हैं। और आज बड़े दुख के साथ हमें यहाँ बैठकर एक उठने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो किसान पूरे भारतवर्ष में हर वर्ग का अपनी खेती के कारण पेट भरता है, आज वही किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपना परिवार चलाने के योग्य भी नहीं है। तो आज और इससे ज़्यादा हमारे लिए दुख की बात क्या होगी। मैं पुनः सरकार और प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इस गरीब किसान के परिवार को आर्थिक रोजगार और मुआवजा राशि की सहायता देकर इसका सहयोग करें, और इस क्षेत्र में इस तरह के जितने भी किसान हैं जो आज किसी भी तरीके से अपनी फसल के जो फसल है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे और जिससे हर दिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देकर आगे आने वाले समय में कोई और भाई इस तरीके से अपनी जान ना दे, इसके लिए मैं दोबारा से अपील करना चाहूँगा कि आप इस विषय में गहराई से काम करें और किसानों की सहायता करें। आज आप यहाँ मृतक किसान प्रकाश पुनिया के समर्थन में आए हैं, आप उनका कहाँ तक साथ देंगे? मुझे अभी पता चला है कि आज हमारा पूरा खुडन गांव इकट्ठा होकर डीसी मैडम के पास गए हैं और वे एक उचित मांग के साथ वहां पहुंचे हैं। उनकी उचित मांग पर सरकार और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती तो हम इस परिवार और इस गांव के साथ तन मन धन से इनके साथ हैं और पूरा सहयोग करेंगे। हम अपनी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे आने वाले समय में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत खड़ी हो, और जैसे ही गांव क्षेत्र यहाँ इस परिवार की जिस तरीके से मदद करेगा हम भी उस मदद में 21 होकर सहयोग करने का काम करेंगे, चाहे वो धन की हो, चाहे मन की हो, चाहे तन की हो, चाहे इनके साथ बैठकर सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाने की हो, हम इनके साथ तन मन धन से इनके साथ हैं। हमें पता लगा है कि बेटी सिवासन हो चुकी है, उसकी शादी के लायक है, वो पढ़ी लिखी है, JBT MA है, बेटा भी नौजवान है, तो जहाँ तक होगा हम उन्हें सरकार के द्वारा सहायता दिलवाने की कोशिश करेंगे, और अपने तरफ से भी जो भी हमसे बन पाएगा हम करने का कार्य करेंगे। पार्षद जगबीर सिंह उर्फ काला प्रधान निमाणा का कहना है कि हम इनके साथ कदम कदम पे इनका साथ देंगे और
अपना तन मन धन से इनके साथ हैं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ वाचक के लिए हिमांश शर्मा की रिपोर्ट।